हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज का जो सेशन है उसमें हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज करेंगे थ्रू निमोनिक्स एंड ट्रिक्स। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों को केमिस्ट्री में वो होता है कि आपको एलिमेंट्स के नेम और उनके एटॉमिक नंबर और उनके ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होने के वजह से बहुत सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में नहीं कर पाते हो। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार सेशन है, क्योंकि आज हम लोग इनऑर्गेनिक का जो बैकबोन है हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे 10th का बच्चा हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एस्पिरेंट हो, किसी भी कोर्स के लिए हो, उसके लिए विदाउट पीरियोडिक टेबल वो केमिस्ट्री में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। मैं बताऊं, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ना है बेटा जी हम लोग को। क्या पढ़ना है? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल हम लोगों को पढ़ना है। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक, अगर मैं टेबल की बात करूं तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में एक छोटा सा आप ट्रिक जान लोगे कि 18 ग्रुप्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। कितने होते हैं बेटा जी? 7 पीरियड होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पहला इंफॉर्मेशन ये हुआ। दूसरा इंफॉर्मेशन होता है कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बेस मानते हैं तो ये चार ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं एस ब्लॉक, एक को बोलते हैं हम एस ब्लॉक, दूसरे को बोलते हैं हम बेटा जी पी ब्लॉक, और उसके बाद होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक होता है, उसके बाद होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, अब मैं इन ब्लॉक की बात करूं, एस को याद करने के लिए आप ट्रिक लिख सकते हो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। पी का मतलब होता है ये बहुत ही पैसिनेट होते हैं। पैसिनेट का मतलब ये शौकीन होते हैं, मतलब इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, गैस, सॉलिड, लिक्विड सभी होते हैं, इसलिए इनको शौकीन माने जाते हैं। डी को हम बोलते हैं कि ये डेंजरस होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही खतरनाक होते हैं। खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सडनली चेंज करता रहता है, बहुत सारा एक्सेप्शन शो करते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शनल वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ट्रेंड्स में। एफ को हम फालतू कहते हैं। फालतू इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे क्लासेस में इसकी बहुत ज़्यादा कोई कंपाउंड वगैरह हमें स्टडी नहीं करना होता है, सिर्फ इनके नेम वगैरह हमें को याद करना होता है, इसलिए हमने इसको फालतू मान लिया। और नीचे आके जुड़ता है, ये भी एक तरीका है, मतलब सिंपल, पैसोनेट एंड डेंजरस, फालतू, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप एस पी डी एफ के फॉर्म में याद कर सकते हैं। वैसे हम साइंस के लैंग्वेज में एस पी डी एफ को क्या कहते हैं? एस पी डी एफ बेसिकली सबसेल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सबसेल होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी मेरे? सबसेल होते हैं। आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब हम अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो जो सबसेल्स होते हैं आप एक बार उनको लर्न कर लेना। एक होता है एस, दूसरा होता है पी, और होता है डी, और होता है एफ। क्या होते हैं बेटा? एस पी डी एंड एफ। मैं बताऊं, एस में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं वो है 2, पी में मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। इन्हीं को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप लिख सकते हो इसको बेटा, इसको लिख सकते हो एस पे 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिर हुआ, पी पे 6, डी पे 10 एंड एफ पे 14। ये आपको याद करना होगा, ये आपको याद करना होगा, अगर आपको याद नहीं है तो। अदरवाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। ठीक हो गया ना? एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर से मैं एक बार एक रिविजन देता हूँ इसका। क्या रिविजन है बेटा जी? है क्या कि जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। किस पे? बोहर बरी। किसके? बोहर एंड बरी के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्कीम है उस पे बेस्ड है। 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। 18 ग्रुप्स होने के वजह से इसको लॉन्ग फॉर्म कहते हैं। ग्रुप को हम फैमिलीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि जो हमारा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, सिंपल, पैसिनेट, डेंजरस एंड फालतू। सिंपल का मतलब एस, पैसिनेट का मतलब पी, डेंजरस का मतलब डी, और फालतू का मतलब एफ। एस पी डी एफ ब्लॉक्स में डिवाइड है। इसके अलावा जो एस पी जी एस हैं वो सेल भी, सब सेल भी कहलाती हैं। तो
इन सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसका भी मैंने एक आपको चार्ट दे दिया। एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कैसे ड्रॉ करें। ठीक है बेटा जी, जैसा कि बताया आपको पीरियोडिक टेबल जो टेबुलर फॉर्म में होता है, आप सब लोगों को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्म में होता है बेटा, जिसके अंदर हमें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन 7 और यहां से अगर हम देखें, यहां से हम देखें तो कुछ इस तरीके का एक सिस्टम आता है, ऐसा कुछ होता है। मैं सब कुछ बताऊंगा जैसा बना रहा हूं, अभी आप लोग बना लो, एक एक चीज को याद करने का तरीका भी दूंगा। ठीक है बेटा जी, इसको पीरियड्स बोलते हैं, आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। अब हम बात करें तो यहाँ देखोगे यहाँ पे कुछ और भी चीजें स्टार्ट होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटेशियम, फिर होता है रुबिडियम, फिर होता है सीजियम एंड देन होता है फ्रांसियम। यहाँ पे होता है बेरिलियम, यहाँ पे होता है मैग्नीशियम, यहाँ पे होता है कैल्शियम, यहाँ पे स्ट्रॉन्टियम, यहाँ पे बेरियम और यहाँ पे रेडियम होता है। कैल्शियम के बाद यहाँ से 10 ग्रुप्स और आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10। इन 10 को आप ऐसे ध्यान रखोगे, इन 10 को आप ऐसे ध्यान रखोगे, इन 10 को आप ऐसे ध्यान रखोगे, है ना। उसके बाद यहाँ के बाद यहाँ पे फिर हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फिर हम ऊपर जाएंगे ऐसे, और ये इस तरीके से आपने देखा होगा, आपने देखा होगा बेटा जी, ये इस तरीके से जाके कुछ यूं हो जाता है हमारा पीरियोडिक टेबल, है ना। तो इस पीरियोडिक टेबल को मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बेटा जी। यहाँ पे जाके ये थोड़ा ऊपर होके कुछ ऐसा हो जाता है एंड नीचे भी कुछ होता है, नीचे भी होते हैं, उनको भी मैं अभी ड्रॉ करूंगा अलग से। नीचे आप देखोगे कुछ नीचे इस तरह से जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं वो नीचे इस तरीके से आते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कि ऐसे दो दो सब ग्रुप में ऐसे डिवाइड होते हैं बस। समझा, लेकिन इसमें 14, 14, 28 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम इनको देखेंगे। यहाँ से आपको मालूम होगा ये होगा 6 ब्लॉक में ये डिफाइन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, इसको मान लेते हैं पूरा 6 हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे, ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट ला देते हैं, क्योंकि पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको थोड़ा सा छोटे में कर देते हैं, क्योंकि और भी चीज़ों को हम लोग इसमें लिखना होगा, तो उसके लिए हमने थोड़ा इसको छोटा बना दिया। अब मैं इनकी नंबरिंग करता हूँ बेटा। देखो ये ग्रुप नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड ये 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतने ग्रुप आपको क्लियर हो गए? देखिए बेसिकली जो पहला और दूसरा ग्रुप होता है इन्हीं को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक बोलते हैं। और ये थर्ड से लेके जो 12 तक होते हैं उनको बोलते हैं बेटा डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा? डी ब्लॉक। और जो 13 से लेके
18 तक की अगर मैं बात करूँ तो इनको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा जी? पी ब्लॉक। और नीचे जो होते हैं उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक, जिनका मतलब होता है फालतू। बस समझ आ रही कि नहीं आ रही? पूरी यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आपको थोड़ी बहुत बात बताऊं। देखिए बेसिकली एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में मैं बताऊं, अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, आपको दिख रहा होगा। आपको मैं बताऊं कि पी ब्लॉक में बताऊं तो पी ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा 6 ग्रुप हैं, आप देख रहे होंगे। और मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक में आपको 10 ग्रुप दिख रहे हैं, 10 ग्रुप्स दिख रहे हैं। एंड एफ ब्लॉक में आप देख रहा होगा आपको कितने, 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे 14 ही एलिमेंट्स होते हैं, वो भी आपको दिख जाएंगे, है ना। तो बेसिकली एस में दो ग्रुप्स क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि एस में दो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अगर एस में 1 आया था एक ग्रुप, एस में 2 आया था दूसरा ग्रुप। पी में 6 ग्रुप क्यों होते हैं? क्यों? पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं अगर आपको प्रीवियस में दिखाऊं तो आप देख सकते हो, एस में 1 और एस में 2, ये पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा ग्रुप, तो दो ग्रुप हो गया। अब पी में P1, P2, P3, बोलो P4, P5, P6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ग्रुप दिख रहे हैं कि नहीं? वैसे डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 ग्रुप। और एफ में क्या बेटा? 14 है, तो कितना बेटा? 14 एलिमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि ये जो ब्लॉक्स है उस ब्लॉक के पीछे का जो बेसिक रीजन है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसको कुछ हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, कैसा है बेटा? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। लेकिन अगर हम लोग इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के से कंपेयर करें तो बेसिकली इसको बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं, मैं वो भी लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं बेटा जी फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं सेकेंड ए, इसको बोलते हैं थर्ड ए, इसको बोलते हैं फोर्थ ए, इसको बोलते हैं फिफ्थ ए, इसको बोलते हैं सिक्स ए, इसको बोलते हैं सेवेंथ ए, और यहाँ पे एट्थ नाइन्थ टेंथ, एट्थ नाइन्थ टेंथ एट्थ का पार्ट होते हैं। फिर यहाँ से हम लोग, यहाँ से हम लोग फर्स्ट बी कहते हैं, फर्स्ट बी कहते हैं इसको, सेकेंड बी कहते हैं इसको, थर्ड बी कहते हैं, थर्ड बी कहते हैं इसको, फोर्थ बी कहते हैं इसको, फिफ्थ बी कहते हैं इसको, सिक्स बी कहते हैं इसको, सिक्स बी कहते हैं इसको, सेवेंथ बी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जीरो हो जाता है, ये क्या होता है? जीरो होता है। मतलब मैं इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी कंपेयर मैंने कर दिया कि फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर थोड़ा सा ए और बी में कंफ्यूजन होगा तो बेसिकली मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। बहुत सारे बुक्स में इनको बी बोला गया है, बट एनसीईआरटी जो कहता है हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक आईआईटी जेईई मेंस है और नीट की मैं बात करूँ तो उनमें एनसीईआरटी के ही वैल्यूज को फेवर किया जाता है, इसलिए आप इन्हीं को याद करें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं बात करूँ कि ये एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम। उसके बाद कैल्शियम से यहाँ शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। मैं बताऊं इसको बोलते हैं साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसके नीचे अगर हम बात करें, देखोगे ध्यान से, अगर इसके नीचे मैं बात करूं कि क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं इनको याद करने का, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं पी ब्लॉक में। यहाँ पे होता है बैगन, यहाँ पे होता है आलू, यहाँ पे होता है गाजर, फिर बोलते हैं इनको तौलो, टीएल होता है। यहाँ पे जो भी होता है उसको हमें लिखना नहीं होता है। फिर बोलते हैं कहे शिव जी सुनो प्रभु, समझ मारे, कहे शिव जी सुनो प्रभु। देखो बोरॉन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बोलते हैं, नाइट्रोजन को नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उसके बाद बोलते हैं हम लोग बेटा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, इसको बोलते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब चीटिंग करना।
उससे टीपो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, कल ब्रोमीन, बाहर आयोडीन, आया ऑटो एटी, समझ में आ रहा है। फिर कल बाहर आया ऑटो। उसके बाद हम बोलते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। बेसिकली इनको बोलते हैं हे निशा, मैं लिख भी देता हूँ, अड़कर जिंदा रहना, अड़कर जिंदा रहना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, देख लीजिए, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। मैं लिख देता हूँ, क्या लिखोगे इसको बेटा? इसको लिखोगे ली, इसको लिखोगे ना, हलीना की, इसको बोलोगे रूबी, रूबी, इसको बोलोगे से फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी तरीका आपको समझ में आ गया। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मांगे, इसको बोलते हैं कार, इसको बोलते हैं स्कूटर, इसको बोलते हैं बापू, इसको बोलते हैं राजी। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू, राजी। इसको बोलते हैं साइंस, साइंस, इसको बोलते हैं टीचर, इसको बोलते हैं विनीता, इसको बोलते हैं कुमारी, इसको बोलते हैं बेटा कुमारी, विनीता कुमारी। मांगे, मांगे, फीस, फीस, कोई नहीं, कुछ जाने। मुझे लगता है आपको इतनी चीजें याद हो गई। इसको बोलते हैं बैगन, इसको बोलते हैं बैगन, इसको बोलते हैं आलू, इसको बोलते हैं गाजर, इनको तौलो या इन थैले में। इसको बोलते हैं कहे शिव जी सुनो पार्वती, नाना, इसको बोलते हैं नाना, इसको बोलते हैं पाटेकर, पाटेकर, इसको बोलते हैं सब, नाना पाटेकर, ऐसे देखोगे नाना पाटेकर, असरानी, असरानी, इसको बोलते हैं सब, बीमार, या ऐसे भी लिख सकते हो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। फिर बोलते हैं ओल्ड, फिर बोलते हैं स्टाइल, से टी पो, मतलब चीटिंग करना, इसको बोलते हैं फिर, कल, बाहर, आया ऑटो, ऑटो भाई, ऑटो रिक्शा वाला फिर से कल बाहर आ गया। याद करने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बता सकते हो बेटा जी, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, सब कुछ याद होगा। डी ब्लॉक में और भी एलिमेंट्स को हम लोग याद करने जा रहे हैं। जैसे मैं पूछूं, इसको बोलते हैं स्कूटी, फिर बोलते हैं यामा, ला एक, स्कूटी, यामा, ला एक, टी जरा, हाफ, वो नवाब, ता, क्रो, म, टन, टन का मतलब टंगस्टन, डब्लू, मन, तक, रे, फेरस, फेरस स्पेलिंग से याद है, एफ ई आर यू, रुहेनियम, और अस, ओ एस, ऑस्मियम। फिर बोलते हैं कौन रहेगा आयरलैंड, आई आर, नहीं पढ़ोगे, पी डी, पढ़ोगे, पिटोगे, पी टी, क्यों आगे आए, क्यों आगे मतलब कॉपर, ए जी ए यू, जिनी, जिनी, बोलो जैडन, जिनी कनाडा है, जिनी कनाडा है। बस में आ रही नहीं आ रही? इनको याद करने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा भाई, सब लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो देख लीजिए। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इनको। देखो स्कूटर, यामा, ला एक, जिनी, टी जरा, हाफ, वो नवाब था, क्रोमाटन, क्रोमाटन, मन तक रे, फेरस, एफ ई आर यू ओ एस, स्पेलिंग में ही इनके पूरे नाम है। कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आए, जिनी कनाडा है। बोली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे।
मैं स्पेशली डी ब्लॉक को फिर से एक बार मेमोराइज करा देता हूँ आप लोगों को। डी ब्लॉक की मैं बात करूँ थोड़ा सा, मैं डी ब्लॉक को सेपरेटली अगर बताऊँ तो डी ब्लॉक में बेसिकली 3D होता है, 4D होता है एंड 5D होता है। 3D, 4D एंड 5D होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बोलते हैं स्कैंडियम स्कूटर। बोलो ना। साइंस टीचर विनीता कुमारी मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। फिर इसके नीचे मैं यहाँ पे बात करूं तो यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे तू। यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी पड़ेंगी आगे कूद, पड़ेंगी आगे कूद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद ये जो 5D वाला है उसको बोलते हैं ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई बोलो और होगी। क्या बोलते हैं? ला हफ्ता वरना वरना ला हफ्ता ता यहाँ तो हो गया वरना रे ओसामा ओसामा इधर इधर पिटाई और होगी और होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए फिर से मैं बताऊं। बोलो इसको बोलते हैं साइंस साइंस टीचर विनीता विनीता कुमारी कुमारी मांगे मांगे फीस कोई कोई नहीं कुछ जाने। इसी तरह से यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे कुदला हफ्ता वरना रे उसामा इधर और पिटाई होगी। बोलिए समझ में आ गया? एस ब्लॉक आपको याद हो गया? यस ब्लॉक में मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से प्रीवियस वीडियो में। चलिए हली ना की रूबी से फ्रेंडशिप बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी या बिन मैगी के सारी बारात। बिन मैगी के सारी बारात आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर मैं पी ब्लॉक में आऊं तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। बोरॉन को बोलते हैं बैगन, एल्यूमिनियम को बोलते हैं गाजर, गैलियम को बोलते हैं बोरॉन को बोलते हैं बैगन, एल्यूमिनियम को बोलते हैं आलू, गैलियम को बोलते हैं गाजर, इंडियम को बोलते हैं इनको, टैलियम को बोलते हैं तौलो। कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो प्रभु, काशी जी सन की पंडित। बहुत सारे तरीके हैं। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उससे टीपो ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आया ऑटो, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा भी कह सकते हो। हे निशा अड़कर जिंदा रहना, या हीना नीलम और करीना जीते रहना। ये तरीके हैं क्या बेटा हमको पीरियोडिक टेबल को याद करने के, जितने भी एलिमेंट्स हैं। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं सीधे फालतू वाले एफ ब्लॉक में आते हैं, फालतू वाले एफ ब्लॉक में आते हैं, फालतू वाले एफ ब्लॉक में आते हैं। अगर हम लोग एफ ब्लॉक में आ जाएं तो एफ ब्लॉक में हम लोग देखेंगे। देखो बेटा जी यहाँ पे सीई होता है, पीआर होता है, एनडी होता है, पीएम होता है, एसएम होता है, ईयू होता है, जीडी होता है, टीबी होता है, डीवाई होता है, और होता है एचयू, फिर होता है ईआर, फिर होता है टीएम, फिर होता है वाईबी, और होता है एलयू। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको बोलते हैं सीमा पर ना पीएम समान, सीमा पर ना पीएम समान। यूं यूं गद्दार तबाही तबाही ढाए
हो और तुम यहां भी वाई भी लुटोगे 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 का मतलब लुटोगे का मतलब लुटोगे का मतलब होता है लुटेटियम, इसको बोलते हैं सीरियम, इसको बोलते हैं लुटेटियम। सीमा पर ना पीएम समान युग गद्दार तबाही ढाए हो और तुम यहां भी लुटोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पहले देखो लेंथेनाइड सीरीज होता है, एल ए भी आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये जो है लेंथेनाइड, डी ब्लॉक में आपको लेंथेनियम दिखा था। बोलो ना, स्कूटर यामा ला एक मैंने बताया है, स्कूटर यामा ला एक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ला और एक का मतलब एक्टिनाइड होता है, एक्टिनाइड होता है या एक्टिनियम होता है, इसी के साथ, इसी के बाद ये सीरियम शुरू होता है जो कि 14 एलिमेंट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे जो 71 होता है, यहाँ पे 58 होता है एटॉमिक नंबर, फिर ये कितना 59, फिर ये कितना 60, ये कितना 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 यहाँ पे हुआ, 70 यहाँ पे हुआ। आप देख सकते हो याद करने का तरीका है, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर 71 लुटेटियम पे हुआ। एसी के बाद आता है, एसी के बाद आता है टीएच, थोड़े पहलवान उससे निपटेंगे, पुराने आम एम आम कम सीएम बीके कैफे सीएफ कैलिफोर्नियम, कैफे में एस एस फरमाते फर्मियम एफएम, मैडोना एमडी मैडो नो एनओ और क्या बेटा, मैडोना और क्या बेटा लॉरा, मतलब थोड़े पहलवान उससे निपटेंगे, पुराने आम कम बीके कैसे में एस फरमाते मैडोना एंड लॉरा। था पादरी यूरो नहाने पहुंचा अमेरिका, कम बैक कैफे में ऐश फरमाते हैं मैडोना और लॉरा। बहुत सारे तरीके हैं, मैं थोड़ा सा आसान वाला है उसी को याद कराता हूँ। बोलते हैं थोड़े थोड़े पहलवान क्या बेटा उससे निपटेंगे निपटेंगे पुराने पुराने आम आम कम कम बिके बिके कैफे कैफे में एस एस फरमाते एस फरमाते एस फरमाते फरमाते क्या बेटा मैडोना मैडोना मैडोना। देखो नौ भी आ रहा है, नौ एनओ को रिप्रेजेंट करता है, एंड लौरा और क्या बेटा लौरा लौरा मतलब लॉरेंसियम लॉरेंसियम, थोरियम होता है 91, थोरियम होता है 91 और लॉरेंसियम होता है 103, ये आपको याद होना चाहिए। थोरियम 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड दिस इज 103। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैं एक बार मैं एस ब्लॉक से लेके एफ ब्लॉक के तक के एलिमेंट को एक पूरी कहानी के फॉर्म में बोलता हूं। एस ब्लॉक का पहला ग्रुप हलीना के रब से फरियाद, दूसरा ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, पी ब्लॉक में बैगन आलू गाजर इन थैले में, या बैगन आलू गाजर इनको तोलो, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बोलते हैं हम लोग उससे टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद मैं बोलूं तो फिर कल बाहर आया ऑटो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे निशा अड़कर जिंदा रहना, हे निशा अड़कर जिंदा रहना, ये होते हैं नोबल गैस, हे निशा अड़कर जिंदा रहना, या हीना नीलम और करीना जीते रहना। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से हैं, तो डी ब्लॉक में स्कैंडियम, डी ब्लॉक में मैं स्कैंडियम से मैं एक बार अगर डिस्कस करना शुरू करूं तो देखोगे साइंस टीचर विनीता कुमारी, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे, राह में पड़ेंगी आगे कुछ, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई, और होगी होगी का मतलब एच जी, और का मतलब गोल्ड प्लेटिनम इरिडियम ऑस्मियम रिहेनियम,
टंगस्टन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डी ब्लॉक भी आपको याद हो गया, डी ब्लॉक भी याद हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलें तो हम लोगों ने पूरा पूरे टेबल को हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया था। इसको बोलते हैं 4F, इसको बोलते हैं 5F। 4F 5F क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये होता है N-2F, N-2F होता है। ये क्या होता है? N-2F होता है। यहाँ N की वैल्यू होती है 6, यहाँ N की वैल्यू होती है 7, तो 7-2 5 और 6-2 कितना 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये होता है N-1D। ये क्या होता है? N-1D। इसीलिए यहाँ पे फोर्थ पीरियड में एन की वैल्यू 4 रखो, -1 3 होगा, इसलिए इसको 3D बोले थे। फिर यहाँ पे 5-1 4D बोलेंगे, इसको बोलेंगे 6-1 5D बोलेंगे। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो 3D मतलब क्या? n की वैल्यू यहाँ कितना 4, यहाँ n की वैल्यू कितना 5, यहाँ n की वैल्यू कितना 6। इसको n-1 करोगे, n-1D करते हैं मतलब 4-1 3, 5-1 4, 6-1 5। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो सेशन था इसमें हमें सिर्फ नाम याद कराना हमारा टारगेट था, अदरवाइज हमारी कोई और डिस्कशन नहीं है। अगला जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें मैं इनके एटॉमिक नंबर याद कैसे करें, इनके कुछ प्रॉपर्टीज को कैसे हम याद करें, वो सारे ट्रिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अच्छे बच्चों की तरह से इसको थोड़ा सा शेयर भी करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है बेटा, आज का सेशन हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू।